ब्रेक सेंटर की ओर से सभी को गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRNS 34, 34वां कोड है, ध्यान से देखिएगा। TRNS 34 सवाल नंबर वन कहता है कि एक क्षैतिज धरातल पर खड़ा एक टावर, कोई टावर है क्षैतिज धरातल पर कोई खड़ा है, इसको टावर कहते हैं। अपने पाद से 160 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु, पाद मतलब होता है नीचे वाला, 160 मीटर की दूरी पर कोई स्थित बिंदु है। अब निश्चित कोण बनाता, कोई कोण बनाया, थीटा कोण हम मान लेते हैं, थीटा कोण बनाया। अब उसके बाद कहा था 100 मीटर आगे बढ़ने पर टावर द्वारा बनाया आगे, 100 मीटर आगे जब बढ़ गया टावर द्वारा बनाया गया कोण, टावर द्वारा जो कोण बनता है इससे दोगुना यानी 2 थीटा बनाता, क्या हो गया। तब कहता है, तब बताइए कि टावर की ऊंचाई क्या है, और कुछ नहीं कहना है, टावर की ऊंचाई इतना चाहिए बोला। ध्यान रखिएगा, अगर इसको हम सूत्र से बनाते हैं तो बहुत लंबा जाता है, अगर शॉर्टकट बनाना है तो बना लीजिए। यह थीटा है तो ध्यान देना है कि यह थीटा है, यहाँ पर 2 थीटा है। यह त्रिभुज का यह बहिष्कोण है, बहिष्कोण बराबर क्या अंतर दो कोण का योगफल के बराबर होता है, मतलब यह थीटा तो यह थीटा दोनों थीटा थीटा 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा होता है, क्योंकि आपको पता है ये कोई त्रिभुज बना है तो त्रिभुज बना अगर बहिष्कोण है तो उसके 2 अंतःकोण के योग के बराबर आता है, ये पता है ना, ये 2 थीटा होता है। सेम वही चीज़ है, अगर किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर है उसकी 2 भुजा भी बराबर होती है, सामने वाली 2 भुजा, मतलब इसका कोण ये हो गया, इसके सामने वाला ये 100 हो गया, यहाँ से यहाँ 100 हो गया, तो इसके सामने वाला भी ये थीटा है तो यहाँ पर 100 होगा, ये क्लियर है, ये 100 हो गया। अब ये 100 हो गया तो यहाँ से यहाँ 100 टोटल 160 थी, ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो गया, ये 100 हो गया, तो ये ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप मन मन भी कर सकते हैं। अब ट्रिपलेट, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, तो लंब 3 4 5 3 4 5 आपको पता है, यानी 3 ये लंब होता है या आधार हो गया, 3 आधार हो गया तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, 3 4 5 ये ट्रिपलेट आपको पता है। अगर ये पता है तो सोचिए ये कर्ण 100 है तो 100 पुराने के लिए 20 से गुना करेंगे, 20 से गुना करेंगे तो ये 100 पुरेगा, 20 से इसमें गुना करेंगे 80 पुरेगा, 20 से इसमें गुना करेंगे 60 पुरेगा। सोचिए कि अब ये 100 मिल गया और ये 60 मिल गया, 100 60 मिल गया तो ये क्या 80 नहीं होगा, इसीलिए इसकी ऊंचाई 80 हो गया, ये आंसर हो गया। और सूत्र पर बनाइएगा तो भेजा खराब कर देगा, अब आंसर हो गया 80। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल की ओर आएंगे, सवाल नंबर 2 पर आइएगा, 2 को सीखिए। सवाल नंबर 2 यहाँ पर कहता है, यदि एक टावर के ऊपरी बिंदु से जमीन पर स्थित कोई टावर है, टावर के ऊपरी बिंदु पर जमीन पर कोई स्थित है, स्थित बिंदु से दो आधार, स्थित दो बिंदु से आधार से एक्स तथा वाई से टावर, यानी कि 2 बिंदु है तो 2 बिंदु है एक्स और वाई है, एक्स यहाँ पर है एक्स और वाई से, उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है, मतलब क्या यहाँ से यहाँ एक्स है और यहाँ से यहाँ वाई है, उन्नयन कोण पूरक है, मतलब पूरक मतलब दोनों मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए, यह थीटा है तो यह 90 माइनस थीटा, ये कहा। तो इस प्रकार के सवाल के लिए हमको ये अगर ऊंचाई ज्ञात करना है तो याद रखना है तो √xy मतलब क्या, जो आपका दूरी दिया है उस दूरी को √अंदर में डाल दिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा, बिना प्रूफ किए आंसर हो। जैसे दूसरा सवाल क्या आता है, सवाल नंबर 3 नंबर यहाँ पर आइएगा, 3 नंबर समझ में आ जाएगा। एक टावर से 36 मीटर और 64 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु, एक टावर है, एक 36 मीटर है यहाँ से यहाँ 36 मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ 64 मान लेते हैं, उस्थित एक दूसरे का पूरक कौन है, पूरक मतलब 90 डिग्री दोनों पूरना चाहिए, तो करना कुछ नहीं है, इसकी लंबाई के लिए √xy कर लीजिए, 36 गुना 64 कर लीजिए तो 6 गुना कितना हो 8 इक्वल टू 48 आंसर होगा, आपका आंसर होगा। ये सब चीज़ को याद रखिएगा तो जल्दी बनेगा। चलिए आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर 4 पर आएंगे, 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 का था, 3 संख्या में से दूसरी संख्या ABC 3 मान लिए, पहले दूसरी संख्या पहली की दोगुनी है, पहली की दोगुनी है तथा तीसरी की 3 गुनी है, तीसरी की 3 गुनी, अगर इसको 2 मानिएगा तो ये 6 हो जाएगा, ये इसका दोगुना ये 3 हो जाएगा, देखिए इसका 3 दुना 6 इसका 3 गुना 6। अब कहता है इन तीनों का औसत 44 है, 44 औसत है तो योगफल के लिए 3 से गुना करेंगे योगफल बन गया, ये योगफल बन गया तो यहाँ पर योगफल क्या 6 3 9 9 2 11
11, जिनका वैल्यू रहता है उससे गुना करते हैं और जिसको पता करना है उससे, जिनका वैल्यू रहता है उससे भाग कीजिए और जिनको पता करना है उससे गुना कीजिए। तो हमको पूछता है तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या 2 है, 2 से गुना करिए, 4, 6 दुना 12 आपका आंसर होगा, ये उत्तर हो जाएगा 12। 12 आपका तीसरी संख्या पूछते हैं, सॉरी तीसरी पूछ रहा है, तो तीसरी 2 तो ठीक, तो 12 इसका आंसर है, 4 नंबर आपका 12 होगा, हाँ 12 होगा, सी नंबर इसको कर लीजिएगा, 12 आपके आपका आंसर होगा, 12 होगा इसको कर लीजिए। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल पढ़ाएंगे, सवाल नंबर 5 पढ़ाइए। सवाल नंबर 5 यहाँ पर कहता है, सवाल नंबर 5 कहता है 50 परीक्षणों का माध्य 36 था, 50 परीक्षण था इसका माध्य 36 था, औसत 36 था, बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर, 48 मेरा सही है लेकिन इसके स्थान पर 23 लिख दिया, तो कितने का गलती हो गया, 25 का गलती हो गया, कितने संख्या में, 50 संख्या में, तो कितने औसत की गलती हो गई, 1/2 औसत, 1/2 औसत मतलब 0.5 कम लिख दिए, तो सही के लिए क्या 0.5 इसमें सिर्फ जोड़ दिए, तो 36.5 आपका आंसर होगा, ये उत्तर 36.5, समझ में आ गया 36.5। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल पढ़ाएंगे, सवाल नंबर 6 पढ़ाइए। सवाल नंबर 6 कहता है कि तीन संख्या का औसत 60 है, यदि उनमें से तीन संख्या ABC है, औसत 60 है तो योगफल कितना होगा, 180, 60 या 180। अब उसमें कहता कि शेष दो संख्या के योग के 1/4 है, पहली संख्या शेष दो के योग का 1/4 है, यानी कि शेष दो का योग का 1/4 है, तो ये 1 होगा तो ये 4 होगा, यानी 5/36, 5/180 तो 1/36 हो गया, तो आंसर पूछा जा रहा है पहली संख्या का आंसर 36 हो जाएगा, ये उत्तर हो गया। 7 नंबर यहाँ पर है कि 7 नंबर का था 3 दिन का औसत तापमान 20 है, तो 3×20 कीजिए 60 हो गया। उसके बाद कहता है अगले 3 दिन का औसत 30 है, 90 हो जाएगा, पूरे सप्ताह में 7, औसत यहाँ 35 है, 7×35 के 5 बाकी 3 सत्य 21×3 = 24 245। तो आंसर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर अंतिम दिन का तापमान क्या, अंतिम दिन मतलब एक दिन, यह 7 दिन का है, 3×3 = 6 दिन को जोड़ दिए, यानी 245 में 150 को घटा लिए, तो ये 5 हो जाएगा, ये 14×5 = 9 यानी 95 आपका आंसर होगा, लेकिन 95 कोई भी ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, नन ऑफ दी। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों का औसत 25 वर्ष है, कोई टीम है 12 खिलाड़ी का औसत 25 वर्ष है, 12 खिलाड़ी के औसत 25 है, तो 25×12 कर लेते हैं, इसको हल कीजिएगा तो कुछ आ जाएगा। अब उसके बाद कहते हैं यदि कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए, तो कप्तान को शामिल करेंगे तो 13 हो जाएगा, औसत में 1 की वृद्धि हो गया तो यहाँ 26 हो गया, इसको गुना कर लिए, दोनों गुना करके घटा लीजिएगा आपका आंसर होगा, बिना प्रोसेस से भी बना सकते हैं। चलिए धीरे धीरे हम अगला जब आएगा तो फिर बताएंगे। 4 भाई की औसत उम्र 12 वर्ष है, तो 4 भाई की औसत उम्र 12 वर्ष है, 4×12 12×48 होगा। यदि मां को भी सम्मिलित करेंगे तो 5 हो गया, तो कर लिया जाए औसत में 5 की वृद्धि, पारे 12 था दिया 17, 17×85 हो गया, बस इसी को हल करना आपका आंसर हो जाएगा, 37 आंसर हो गया। 9 आइटम का औसत 15 है, 9×15 कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या कहता है, तो 16 हो जाता है, एक आइटम और जोड़ दिए 10 आइटम हो गया, तो 16 हो गया तो 160 होगा, तो यहाँ पर दोनों को घटा लेंगे आंसर होगा। ये सब चीज़ जानते हैं इसलिए हम स्पीड में चलते हैं, आपको घर में बनाना है सिर्फ हैंड सम दे देते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों में का औसत रन 32 था, कोई क्रिकेट खिलाड़ी है 11 क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारी का औसत रन 32 है, 10×32 = 320 है, अगली पारी में कितने रन बनाए कि रनों का औसत 4 अधिक हो जाए, तो 32 से 36 पुराना है 11वां पारी में, इसको हल करेंगे तो 396 रन पुराना है, कितना रन बनाए, बस ये दोनों घटा लीजिए आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है 12 नंबर, एक नाव धारा के अनुदिश रहता था, ये प्लस होता है, एक नाव धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर, 4×2 = 5 मिनट में, मिनट को घंटा बना ले, 60 से डिवाइड करेंगे यानी 12 हो गए। उसके बाद कहता है धारा के विपरीत मतलब माइनस हो गए, 6 किलोमीटर की दूरी से, यानी 6 किलोमीटर दिया ही है, तो हमको पूछा जा रहा है नाव की चाल क्या है, नाव की चाल तथा धारा का वेग क्या है, नाव खेपी है सॉरी, तो धारा का वेग चाहिए, धारा का वेग मतलब वाई चाहिए, वाई का मान ज्ञात कर ले 1/2 × 12 - 100 = 3 किलोमीटर प्रति घंटा, बस आंसर हो 3 किलोमीटर प्रति घंटा।
आगे बढ़िएगा, अगले सवाल बढ़ाएंगे। सवाल नंबर 13 ये 13 नंबर सवाल कहता है, 13 में शांत जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल मतलब क्या, एक्स का वैल्यू 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप उसके बाद कहता था धारा का वेग 4 किलोमीटर, धारा का वेग वाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब क्या, एक्स प्लस वाई 13 प्लस 4 ये हो गया, दोनों को जोड़ लेते हैं 17 × 68 4 घंटा, ये 4 घंटा आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल नंबर एक व्यक्ति 1 किलोमीटर 10 मिनट, ये तो बन जाएगा सेम सवाल है, 15 पर आइएगा, 15 को बनाते हैं। सवाल नंबर 15 नंबर सवाल कहता है, एक निश्चित दूरी को तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में तथा धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेता है। तो धारा के अनुकूल कोई दूरी हम ले लिए पी, धारा के अनुकूल ले लिए और धारा के प्रतिकूल, समय आधा लेता है। समय यहाँ पर कह दिया कि तय करने में आधा समय लेता है, तो बड़ा डिजिट उसमें गुना कीजिएगा जो छोटा होगा, छोटा होगा प्लस वाला, इसमें एक से गुना कर लिए बराबर हो गए, ये चीज़ तो बताए हुए हैं 2x-2y बराबर x प्लस वाई, एक तरफ करेंगे तो x बराबर 3y, तो x बटा वाई बराबर हम लिख सकते हैं 3/1, ये 3:1 एक आंसर हो गया। अगला सवाल कहता है, किसी व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 2:8 है। कोई व्यक्ति है, खर्च और बचत है 2:8 है, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 16 खर्च और बचत 2:8 है। यदि उसकी आमदनी 20,000 रुपया हो, आमदनी मतलब क्या, कमाई, यहाँ कमाई कितना, खर्चा और बचत को जोड़िए 10 में 20,000, 10 में 20,000 हो गया, तो 1 में कितना हो गया, 1 में 2,000, तो हमको पूछा जा रहा है कि उनका बचत क्या है, तो बचत 8 है, 8 में कितना होगा 16,000, यही आंसर 16,000 होगा, 8 × 2 = 16, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है तो ज्ञात नहीं कर सकते। अगला 17 सेम सवाल है, बना लेंगे, 18 भी सेम है, वो भी बन जाएगा। 18-19 पर आते हैं, 19 को बनाते हैं। सवाल नंबर 19 नंबर सवाल का था, 24, 8, 16 और 5 महत्तम, महत्तम मतलब कॉमन, सब में कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो एक आंसर हो गया। 20 नंबर का था, 24, 48, 64, 132 एक महत्तम का था, महत्तम सब में क्या, 4 कॉमन आ रहा है, 4 सब में, ऑप्शन से खोज सकते हैं, 4 आ रहा है, तो इसलिए महत्तम 4 हो गया। अगला 21 नंबर, लघुत्तम तो जानवे करते, लघुत्तम हो गया, 21-2 है, 21-2 दे दिया है यहाँ, चल 21-2 आ गया तो कोई बात नहीं, 21 को बना लिए। अगला सवाल कहता है कि सीमा ने मोबाइल 25% हानि पर 1950 रुपया में बेच दिया, 25% हानि 75 में बेच दिया, 30% लाभ कमाना, 30% लाभ को कितना बोलते हैं, 130, बस हल का आंसर हो गया। 22 नंबर, यहाँ पर एक इत्र की सीसी 15% बट्टा के बाद विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया है 36-75-40, 15% बट्टा मतलब क्या, 85 हो गया, तो हमको बोलते हैं अंकित मूल्य 100 पर हो गया, आंसर हो गया। 23 नंबर सवाल का आता है, किसी वस्तु के मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। किसी वस्तु का मूल्य मतलब क्या, अंकित मूल्य ले लीजिए, अंकित मूल्य यदि 100 है तो यहाँ पर बोलता है वस्तु का मूल्य उसका 80% है, 80% मतलब क्या, क्रय मूल्य 80 हो गया। तब कहता 12% बट्टा देने के उपरांत व्यापारी को क्या लाभ हो, बट्टा 12%, अंकित मूल्य 100 है तो बट्टा 12% दिया, तो 100 का 12% बट्टा दे दिया मतलब 88 में बेचा, यानी 88 रुपया में बेचा, तो लाभ क्या होगा, 80 में खरीदा 88 में बेचा, 8 रुपया तो लाभ हो गया, लाभ गुना 100 बटा करेंगे यानी 10% का लाभ होगा, ये उत्तर होगा 10% लाभ। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल पर आएंगे, सवाल में 24 पर आइए, 24 नंबर सवाल कहता है, किसी व्यापारी ने सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% छूट की घोषणा करता है, यदि कोई खरीदार 400 रुपया का छूट चाहता है तो 320 रुपया वस्तु कितने कमीज खरीदने पर, यानी 320 रुपया दाम है और 25% छूट दिया, तो 25% छूट हम निकाल देते हैं,
इसको चार बार में काट सकते हैं 80, यानी एक कमीज पर 80 रुपया छोड़ देता है। और 400 रुपया छोड़ चाहते हैं कि 400 रुपया छोड़ देना पड़ेगा, तो 80 रुपया एक पर दिया तो 400 रुपया छोड़ के लिए 5 पीस खरीदना पड़ेगा। यही आंसर 5 पीस हो गए। 25 नंबर सवाल कहता है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, 20% अधिक है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो अंकित मूल्य पर 20% का छूट दिया जाए तो क्या होगा। देखिए 20% प्लस में और 20% माइनस में, तो कुछ नहीं करना, इसका डिजिट को गुना कर लिए, 2 × 2 = 4, 4% का घाटा होगा। यही आंसर हो 4% की हानि, उत्तर होगा 4% का। अब तो ये समझ में आ चुका होगा। चलिए 26 नंबर, ये पीछे हम बताए हुए थे सवाल, कोई व्यापारी एक घड़ी को 450 रुपये में खरीदता है, इसके सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% छूट देने के उपरांत 20% लाभ। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपका तरीका था कि 450 रुपये में ये खरीदा, अब उसके बाद 10% बट्टा, कुछ नहीं करना है, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य रहेगा तो लाभ हानि को ऊपर लिखना, तो यहाँ पर 10% बट्टा देने के बाद 20% का लाभ होगा, लाभ को ऊपर लिख दिए और 10% यहाँ पर बट्टा मतलब 90, बस इसी को हल करना आंसर हो गया। 27 नंबर कहा था 10 50 25 डिग्री हो गया डी, ये सब तो सारा बनने वाला है, सब बनने वाला है, टोटल डायग्राम सब, रीजनिंग तो सारा चीज़ बन जाएगा, रीजनिंग बना लीजिएगा, ये कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ नहीं, रीजनिंग को बना लेना। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे मिलते हैं, तब तक ठीक से जाएंगे।